हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का दिन का ट्रेडिंग सेशन प्लस कल के दिन के लिए मतलब 10th जनवरी 2020 के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे एंड कुछ स्टॉक जो पोजिशनली भी बहुत अच्छे पोजीशन पे है, जो आपको पोजिशनली बहुत रिटर्न दे के जा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। या इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे इंट्राडे की टेक्निक और डे टू डे डेली जो वीडियोज है इंट्राडे की, वो आपको मिलती रहती है। तो आपको बहुत कुछ है सीखने को। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। पहले तो देख लेते। हाँ, आज मैंने एक टाटा मोटर्स का जो ट्रेड किया था वो चीज को मैंने टेलीग्राम पे भी दिया था, आप जाके खुद देख लीजिएगा। मैं 948 को शायद दिया था, 948 के आसपास दिया था। एंड उसके बाद देखिए टाटा मोटर्स में कितनी अच्छी जो है इसमें मोमेंटम आई है। टाटा मोटर्स को ये नहीं कि मैं आज ही जो है इंट्राडे में ट्रेड किया, लेकिन मैं इसको बहुत दिन पहले ही, मतलब ये जो डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न है, जब भी उसको ब्रेकआउट हुआ था उसके एक दिन पहले भी मैंने बोला था, उस दिन भी बोला था। ये दो दिन का वीडियो जाके आप देखिएगा, मेरे चैनल पर कहीं ना कहीं होगा। आप जो है मैंने बोल दिया था कि इसमें डिसेंडिंग ट्रेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है और वही चीज हुआ है। और वो चीज जब हुआ है देखिए कितना अच्छे तरीके से ऊपर गया। तो यहाँ पे उसके लिए एक सपोर्ट था जो कि मेजर सपोर्ट था। तो ओपन होते ही वो 15 मिनट का हाई जैसे ही ब्रेक किया, मैं आपको 940 से 45 के बीच में ही आपको इसमें पोजिशन बना के दे दिया था। उसके बाद देखिए 5 मिनट में, आज का 5 मिनट का चार्ट है, देखिए कितने अच्छे तरीके से ये जो है यहाँ से शुरुआत का ब्रेकआउट, 15 मिनट को ब्रेकआउट देने के बाद कहाँ पे जाके इसने खत्म किया है, मतलब 185 से लेके इसने 192 पे जाके क्लोजिंग दिया है। मतलब आप समझ सकते हैं इसमें 7 रुपए का मोमेंटम हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैंने इस कैंडल पे शायद आपको इस कैंडल पे ही बोल दिया था कि आप बाय करें इसमें, एंड उसके बाद देखिए कितना अच्छे तरीके से इसमें मोमेंटम आया है। अब तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। एंड ये स्टॉक में बहुत अच्छा रिटर्न दिया मुझे, 4000 का प्रॉफिट इसमें हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ स्टॉक जो कल के दिन के लिए या फिर पोजिशनल के लिए भी बहुत ही अच्छे पोजीशन पे है। देखिए जो भी स्टॉक मैं आपको देता हूं उनका एक रिव्यू मैं क्विकली कर लेता हूं, तो कि ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये सारे स्टॉक जो है मैं पहले ही आपको दे दिया था, इनको एक मिनट में सारे स्टॉक को एक रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस किए हैं। एक्सिस बैंक जो कि मैंने यहाँ पे ही आपको बोल दिया था कि इसमें एक डाउनफॉल आएगा, देखिए यहाँ से एक डाउनफॉल जैसे ही शुरू हुआ यहाँ तक का जो टारगेट था वो अचीव करके फिर ये ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसमें जो टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया है। नेक्स्ट है जुबिलेंट फूड का, तो ये वन डे चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए जुबिलेंट फूड में एक रेंज था, रेंज को यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पे इसी दिन ही आपको बोल दिया था, उसके बाद देखिए कितने अच्छे तरीके से ये ऊपर की ओर गया। नेक्स्ट है क्यूमिंस इंडिया, देखिए क्यूमिंस इंडिया भी जैसे इस दिन ही ब्रेकआउट दिया था मैंने आपको इसी दिन ही बोला था, उसके बाद देखिए ये जो है 5 जो पहला टारगेट है उसका, उसको कितने अच्छे तरीके से इसने टच किया है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक जो मैं आपको देता हूँ बहुत ही अच्छे अच्छे पोजीशन पे देता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा मोमेंटम करते हैं। देखिए बजाज ऑटो को इस दिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद मैंने बोल दिया था इसमें डाउनफॉल आएगा। देखिए 4 दिन तक ये डाउनफॉल ही चलता रहा, 3000 टच किया है, मतलब 3000 टक का मोमेंटम 4-5 दिन में, 200 पॉइंट का मोमेंटम इस बजाज ऑटो में मिला है। तो ये सारे स्टॉक आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मोमेंटम किए हैं। कुछ स्टॉक आज के दिन के लिए जो बहुत ही अच्छे पोजीशन पे एज ऑफ आज के ईओडी बेसिस पे बहुत अच्छे पोजीशन पे है, वो उनका हम एनालिसिस कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक है डीएलएफ का, डीएलएफ में आज ये वन डे का कैंडलस्टिक चार्ट है, उसमें देखिएगा जब भी ये कंसोलिडेटर रेंज को ब्रेक करता है बहुत ही अच्छा मोमेंटम करता है। ये रेंज को ब्रेक किया तो अभी इस रेंज में ये फंसा हुआ था, मतलब नीचे से यहाँ से लेके ऊपर से यहाँ तक ये मोमेंटम कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है कि ये दोनों रेंज को ब्रेकआउट करते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग दिया है। तो इसमें एक अच्छा खासा अपमूव की जो है
प्रोबेबिलिटी रहेगी, चांसेस रहेगी। अगर कहीं पे ये सपोर्ट लेके हायर हाई का परमिशन प्राइस एक्शन का मिलता है तो इसमें आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। इसमें जो व्यू रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा बाई साइड पे रहेगा। जो लोग रेगुलरली देखते हैं मेरे चैनल में उनको ही समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट स्टॉक है जो बहुत ही अच्छे पोजिशन पे है, JSW स्टील। देखिए ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कितने अच्छे तरीके से जो है सपोर्ट लेके अभी ऊपर चल रहा है। तो जब भी ये स्टॉक नीचे आता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, यहाँ से मोमेंटम करके ऊपर चल देता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ये मोमेंटम करके ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आने के बाद अभी ये मोमेंटम करके ऊपर की ओर जा रहा है। इसमें बहुत अच्छे पोजीशन आज क्रिएट हुए हैं और उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है ये ट्रेंड लाइन को जरूर टच करेगा। तो कल के दिन के लिए इसके हाई के ऊपर निकलता है, याद रखिएगा 15 मिनट का रेंज इसके हाई के ऊपर ही होना चाहिए, मतलब 15 मिनट का जो ब्रेकआउट हो वो इसके हाई के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस कैंडल के लो के नीचे ब्रेकआउट 15 मिनट का हो, ठीक है, 15 मिनट का ब्रेकआउट इसके हाई के ऊपर होना चाहिए। तो JSW स्टील हो गया, फिर हो गया देखते हैं जी। देखिए जी एंटरटेनमेंट में क्या हुआ है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, मतलब यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे ऊपर यहाँ तक जा रहा था, इस रेंज में फंसा हुआ था। अब ये स्टॉक जब यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, मैंने आपको बोला था इसके लो के नीचे जाएगा तो मैं सेल करूंगा, लेकिन अभी इस कंडीशन में क्या हुआ है कि यहाँ से जो है स्टॉक ब्रेकडाउन देने के बाद एक मोमेंटम किया है जो कि अपसाइड की ओर, एक छोटा सा एक मोमेंटम किया है वो अपसाइड की ओर। तो अपसाइड जाने के बाद ये स्टॉक और गिर सकता है, अगर ये मोमेंटम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से एक ऐसे मोमेंटम किया है। अभी क्या है प्रेजेंटली, अगर ये स्टॉक यहाँ से इसके आज का जो लो बनाया 269 का इसके नीचे जाता है तो इसमें जो है एक डाउनफॉल जरूर देखने को मिलेगा और डाउनफॉल इसको नीचे की ओर लेके आएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो जी एंटरटेनमेंट मेरा जो व्यू रहेगा वो नेगेटिव साइड में रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है ब्रिटानिया, ब्रिटानिया में देखिए बहुत लोग आज इसमें सेल करके गए हैं क्योंकि ये एक जो है मेजर सपोर्ट है और सपोर्ट को वो ब्रेक करता हुआ नजर आया है। अब अगर ये स्टॉक 2990 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो इसमें क्विक मोमेंटम इंट्राडे में ही मिल जाएगा क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एक सपोर्ट मेजर सपोर्ट है क्योंकि यहाँ पे ये स्टॉक एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ से भी दो बार सेकंड टाइम ये रिजेक्शन किया था उसी लेवल पे। और थोड़ा बैकवर्ड डाटा अगर मैं देखता हूँ तो फिर ये स्टॉक देखिए यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ था। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर इस 2990 को ब्रेक करता है तो इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है HCL टेक का। देखिए HCL टेक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसको उस रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस लिया हुआ है। एंड HCL टेक में जो आज ऑप्शन चेन का बेसिस पे जो पोजीशन बने हैं वो सेल साइड पे ज्यादा बने हैं, तो इसमें जो व्यू है वो नेगेटिव साइड में अभी के लिए बनता है। तो इसमें जो व्यू रहेगा वो मेरे नेगेटिव साइड पे रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, देखिए महिंद्रा महिंद्रा ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, मतलब आप देखिए 19 दिसंबर से लेके जनवरी आ गया, जनवरी तक यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी ये इसके ऊपर जाके थोड़ा सा क्लोजिंग दिया है। तो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ही अच्छा स्टॉक है बाई साइड पे। कल के दिन अगर इसके हाई के नीचे हाई के ऊपर ब्रेक करते हुए 15 मिनट का रेंज को ब्रेक करता है तो इसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ बाई साइड पे, ठीक है। इसमें जो मेरा व्यू रहेगा वो बाई साइड पे रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है भारत फोर्ज का, देखिए भारत फोर्ज यहाँ पे एक सपोर्ट था उसका और सपोर्ट से सपोर्ट लेके यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट है उसके लिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ से उसी स्टॉक से ही रिवर्सल लिया है, यहाँ पे इसी रेंज से ही वो रिवर्सल डायरेक्शन में गया है। अभी ये स्टॉक जो पहला टारगेट उसका निकल के आ रहा है इसका 540 के आसपास आ रहा है, अभी ये स्टॉक 507 पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका हाई को ब्रेक करता है एंड वहाँ पे सस्टेन करता है तो इसमें ऑब्वियस को जो है अप मूव देखने को मिलेगा। ये जो टारगेट मैं दे रहा हूँ ये पोजीशन बेसिस पोजीशनल बेसिस पे, ठीक है। मैं आपको कुछ दिन के बाद भी बताऊंगा ये टारगेट जो है अचीव हुए कि नहीं हुए। मैं हमेशा बताता हूँ स्टॉक में जो टारगेट हुए कि नहीं हुए, तो आप चीज को ध्यान में रख के ट्रेड करें। एंड ये सारे स्टॉक जो मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे मेरे खुद के एनालिसिस है। आप कोई भी ट्रेड से लेने से पहले आप जरूर अपना खुद का एनालिसिस करें। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरे डेली बेसिस के जो वीडियोज है वो आपको बहुत कुछ सिखाता होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंट्राडे के बहुत सारे स्ट्रेटजी अभी इस चैनल पे आने वाले हैं 2020 में, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो फॉलो करते हैं। मैं आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यदि अगर सब्सक्राइबर 10,000 क्रॉस करते हैं ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में, उतनी जो प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है मैं जरूर आपके सामने एक दो तो ला के ही रहूंगा। एक स्ट्रैटेजी भी अगर आप पकड़ लीजिए तो फिर आप जो है आपका पूरा लाइफ बन जाएगा। लाइफ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपको जो है कंसिस्टेंटली ट्रेड करना पड़ेगा और थोड़ा आपका टाइम उसमें लगाना पड़ेगा। वो ऐसा स्ट्रैटेजी है कि आपको जो है जो मंथली आपका इनकम वो जरूर आपको निकाल के देगा, अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो उस चीज को ध्यान रखते हैं प्लीज। इसमें लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को प्लीज लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सब्सक्राइबर ग्रोथ बिल्कुल भी चैनल पर नहीं हो रहे हैं। अगर सब्सक्राइबर ग्रोथ होने लगे फिर जो है हम इंट्राडे के स्ट्रैटेजी इसमें जरूर लाएंगे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।